उत्तर प्रदेश रामपुर जो है आजम खान का शहर। बिल्कुल गाइज, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ आजम खान के शहर की जो नवाबों की मस्जिद है, जिसको नवाब फैजुल्ला खान ने बनाया था। मैं आपको इसको बैक साइड से दिखा रहा हूँ। फिलहाल गाइज मैं आपको इसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा और इसको मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाऊंगा। इसके लिए आपको मेरा व्लॉग पूरा देखना होगा। यानी गाइज नाम मेरा आदिल है और आजान व्लॉग्स के नाम से छोटा सा यूट्यूब चैनल है, जिस पर मैं डेली एक व्लॉग डालने की कोशिश करता हूँ और डालता भी रहता हूँ। आज मैं पहुँचा हूँ गाइज यहाँ पर रामपुर में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो आजम खान का शहर है। यहाँ पर काफ़ी ही यह हिस्ट्रिकल मस्जिद है जो काफ़ी पुरानी है, इसको आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ और इसकी आपको मैं हिस्ट्री भी बताने वाला हूँ। चलिए जी, आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं इसको बैक कैमरे से। यहीं से मस्जिद का एंट्री गेट है, यहीं से मैं एंटर होता हूँ। यहाँ पर आपको वॉच भी दिख रही होगी, यहाँ पर जो ये वॉच लगी हुई है आपको मैं जो अंदर जाकर दिखाऊंगा। यहाँ पर एक वॉच लगी हुई है, वह लंदन से आई हुई वॉच है, उसको भी आपको दिखाऊंगा। पहले गाइज फिलहाल हम जा रहे हैं ऊपर, यहाँ पर ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर दिखाएंगे हम आपको जामा मस्जिद, रामपुर की जामा मस्जिद। ये देखिए गाइज, फाइनली गाइज आप सामने से देख सकते हैं यहाँ पर जो जामा मस्जिद है, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। आपको दिख ही रहा होगा फिलहाल मेरे मोबाइल कैमरे में। यह रामपुर की जामा मस्जिद है गाइज, जो नवाबों का रामपुर है, जो आजम खान जी हैं उन्हीं का रामपुर है। जो आप यहाँ पर ये जामा मस्जिद देख रहे हैं, फिलहाल मैं आपको इसको राउंड करके दिखा पा रहा हूँ। हम आपको इसको अंदर जाकर भी दिखाएंगे, फिलहाल आपको मैं इसको स्लोली स्लोली आपको मैं इसको बाहर से दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जो आपको ये घड़ी दिख रही है, या लंदन से लाकर यहाँ पर घड़ी लगाई गई है जो आपको सामने से दिख पा रही है। गाइज अगर मस्जिद के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो ये रामपुर की जामा मस्जिद है, यह रामपुर का गौरव है, इसकी भव्यता से ही रामपुर की पहचान है। शहर की जामा मस्जिद दिल्ली और लाहौर की जामा मस्जिद जैसे ही खूबसूरत है, ऐसा यहाँ के जो रहने वाले हैं वह ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल गाइज ये है भी, आपको दिख भी रहा होगा फिलहाल यहाँ पर सेलफोन में, माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत दिखती है यह मस्जिद। अब गाइज बात करते हैं इसके निर्माण की, इसका निर्माण किसने करवाया था। बिल्कुल गाइज, रामपुर के प्रथम शासक नवाब फैजुल्ला खान ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। मस्जिद तो खूबसूरती होती है, लेकिन मैं आपको इसको अंदर से भी दिखाता हूँ इसकी खूबसूरती क्या है, ये तो हमको अंदर जाकर ही पता लगेगा। फिलहाल मस्जिद का एक ही गेट खुला है, उसी से हम एंटर होते हैं। तो फाइनली गाइस फिलहाल मैं जा रहा हूँ अंदर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गेट बिल्कुल सिल्वर जैसा लग रहा है ना दिखने में, लेकिन यह सिल्वर नहीं है, ये चांदी नहीं है जी। अमेजिंग, चले जी अंदर चलते हैं और खूबसूरती दिखाते हैं। फिलहाल इसका एक ही गेट ओपन है जी। ओहो माशाल्लाह से मैं आ गया हूँ फिलहाल अंदर, और यहाँ पर ये झुमके टंगे हुए हैं ना, जो ये भी यहाँ पर विदेशों से ही आए हुए हैं। इसमें गूगल पर चेक कर रहा था, वहाँ पर मुझको इसका कुछ जिक्र दिखा, लेकिन वहाँ पर पूरा नहीं दे रखा था उन लोगों ने। यहाँ पर आपको जो झुमके दिख रहे हैं ना, ये विदेशों से ही आए हुए हैं जो यहाँ पर टंगे हुए हैं। बिल्कुल मस्जिद तो शानदार बनाई हुई है यहाँ पर, ये देखिए कितनी लंबी है ना, यानी यहाँ पर लगभग 20,000 इंसान अंदर बाहर नमाज अदा कर सकते हैं। ये देखिए जी खूबसूरत, चलिए जी आगे भी चलते हैं, इसमें देखते हैं और कुछ। यहाँ पर इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं और यहाँ पर जुमा अदा कराते हैं। यहाँ पर इमाम रहते हैं। यहाँ पर ये दो जगह बनाया है, इसका मुझको मकसद मालूम नहीं है, शायद एक जगह यहाँ पर ये बुक रखने का होगा, जो होली बुक होती है किताबें,
यहाँ पर देखिए आपको माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा कलाम पाक रखी हुई है सेप तरीके से। काफ़ी लंबी मस्जिद है अंदर से, हम देख सकते हैं, लेकिन चौड़ाई कम है इसकी। अगर चौड़ाई इसकी इतनी ही ज़्यादा और होती तो ये और भी खूबसूरत लगती दिखने में। जहाँ पर मस्जिद होती है वहाँ पर वुजू खाना भी होता है। यहाँ का वुजू खाना काफ़ी डिफरेंट सा लग रहा है मुझे, तो उसको भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर माशाल्लाह से गाइज जो वुजू खाना है काफ़ी खूबसूरत बना रखा है, आपको दिख भी रहा होगा। इस वुजू खाने के अंदर फिश भी हैं, मछलियाँ भी हैं, जो यहाँ पर ये वुजू खाना है आप देख सकते हैं। काफ़ी सेफली तरीके से इसको बनाए हैं और इसमें जो मस्जिद है उसकी जो दीवारें आ रही है ना इसमें, वह है और भी लुक बढ़ा रही है। वो पानी में दिख रही है ना, वह और भी लुक बढ़ा रही है। आपको दिख रही होगी यहाँ पर मीनार पानी में, माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत लग रही है इसमें दिखने में, आप देख सकते हो। चलिए जी यहाँ से निकलते हैं और आपको और कुछ दिखाते हैं। फिलहाल अंदर से बाहर आ गया हूँ मस्जिद से और यहाँ पर हल्की हल्की धूप भी निकलने लगी है। फिलहाल समय हुआ है लगभग 8:30 के करीब और देख सकते हैं आप यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर हल्की हल्की धूप निकलने लगी है। मस्जिद में जो सबसे अच्छा लगता है वह जब आप एंटर होते हैं और आप यहाँ पर ये फ्रंट का सीन देखते हैं, यही मस्जिद में सबसे सुंदर लगता है दिखने में। मेरे हिसाब से यहाँ पर लगभग 50,000 बंदे एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं, जितना यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्पेस देखा है मस्जिद के अंदर। सॉरी फॉर दैट गाइस, यहाँ पर मैंने आपको पीछे वीडियो में 50,000 बंदे बताया है, लेकिन 50,000 बंदे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर 20,000 बंदे नमाज अदा कर सकते हैं जुमे की, या कोई भी नमाज हो यहाँ पर 20,000 बंदे आकर नमाज अदा कर सकते हैं। तो फैन लगाइए, मेरा छोटा सा व्लॉग था जो मैंने आपको रामपुर की जामा मस्जिद से दिखाया, जिसको नवाब फैजुल्ला खान ने बनाया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहले गाइज छोटा सा व्लॉग था। चले गाइज आपसे मिलते हैं हम कल नेक्स्ट प्रकार के व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपने दोस्त आदिल को इजाजत दीजिए। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपका मन कर रहा है इस चैनल को सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अपना ख्याल रखा कीजिए, क्योंकि आप है ना, आप अपने लिए सबसे कीमती हो। अगर आप है तो सब कुछ है, सब कुछ है तो आप है, फिर क्या डरने की बात है। अल्लाह हाफिज़।